था, क्या हुआ, शराब शराब शराब। बड़ा एक जोश चलता था जिससे ये सारे, लेकिन आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि इस जो रेजोल्यूशन आप लाई है उस पर सारों का इत्तेफाक है, मुतहदा कौमी मूवमेंट का कम से कम जब मुशर्रफ साहब के दौर में ये मामला उठा, उनका नुकता नजर ये था कि आप सारों को मनाएं तब ये बनाएं, यानी वो मुखालफत नहीं कर रहे, वो सूरत में मुखालफत कर रहे हैं कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स इसके हक में नहीं होंगे। आप लोग क्या कालाबाग डैम के मुखालिफ हैं या आप कहते हैं कि कंसेंसस के बाद कालाबाग डैम बनना चाहिए? काशिफ सख्त तरीन मुखालिफ हैं और महजब दुनिया जहां भी आप देखें वो बड़े डैम्स पे लानत भेज रहे हैं, डैम कर रहे हैं डैम्स को। काशिफ सख्त तरीन मुखालिफ हैं और महजब दुनिया जहां भी आप देखें वो बड़े डैम्स पे लानत भेज रहे हैं, डैम कर रहे हैं डैम्स को। काशिफ सख्त तरीन मुखालिफ हैं और महजब दुनिया जहां भी आप देखें वो बड़े डैम्स पे लानत भेज रहे हैं, डैम कर रहे हैं डैम्स को और डीकमीशन कर रहे हैं। और यहाँ फूड सिक्योरिटी या दूसरी चीज़ों पर या बिजली की बात करते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंक कर ये गलत किस्म के डिजास्टर पैदा कर। काशिफ मेरी बात सुने, अभी देखें बात ये नहीं है कि यहाँ कोई हमने झगड़ा करना है और पख्तूनों का और पंजाबियों का, ये गुफ्तगू मैं समझता हूँ मुनासिब ही नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, देखें आपका पानी समंदर में गिर रहा है, कितना गिर रहा है, 30 मिलियन नहीं गिर रहा, किसने कहा? आप आकर देखें, आंखों से देखें, आईसीएन सबके रहे तो 35 महीने कम से कम निकालेंगे, वो भी पूरी नहीं हो रही। 10 सालों में से कितना पानी जो है कहाँ गिरा, उसमें क्या है? लेकिन पानी तो जा रहा है ना, जिसमें इस साल वो आप की रिपोर्ट निकाले, इरशा मेरा तो नहीं है ना, अपना कोई अपोजिशन का कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है, इरशा की रिपोर्ट निकाल लें, वो हर दौर में यही रिपोर्ट रही है। आप तीन सूबों को मानने की बात नहीं करते, लेकिन इस तरह बात नहीं होगी। मेरा बात का मतलब तो चारों सूबे हैं ना, देखें चले फिर आप बात कर ले, मैं बात नहीं, मैं रिजर्वेशन देखिए काशिफ, सबसे पहली बात ये डैम जो है एक बैंक की तरह होता है और बैंक में अगर कुछ रखने के लिए होगा ही नहीं, रिवर बैंक कैसे बनेगा जनाब, या वाटर अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। देखिए काशिफ, सबसे पहली बात ये डैम जो है एक बैंक की तरह होता है और बैंक में अगर कुछ रखने के लिए होगा ही नहीं, रिवर बैंक कैसे बनेगा जनाब, या वाटर अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। अब तो ये कि जो मैंने एक मिनट मेरा जवाब इनसे ले देना, जो मैंने कहा था कि जरदारी के साथ सौदा करके आया, मैं 30 मिलियन, मैं काशिफ 30 मिलियन एकड़ फीट पानी, ये काशिफ एक रिपोर्ट है जो इरशा की है जो समुंदर में गिर रहा है, 30 मिलियन एकड़ फीट पानी, ठीक है, इसको अभी आप निकलवा लें किसी जगह से। पर दूसरा आज तो बात तो करने देना, आपकी बात तो किसी को समझ नहीं आ रही, तो मुझे तो करने देना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब दूसरी बात ये है, 6.1 ml नहीं, मैं आपके पास आता हूं जी, मैं शशि पुलिजो साहब, मैं आपके पास आता हूं, अगर अपना नुक्ता बयान करना चाहता हूं, चाहता हूं कि डेड लेवल पे आज तरबेला है, आज एचईएमए व्हाट, आज कहां किस जगह पे गिर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि उसने 23% कट लगाया आज सिंध और पंजाब के पास, राइट नाउ पीपल आर देयर, दे आर लिटरली डाइंग ऑफ थर्स्ट, आई मीन 23% कट लगाया है। आप बीबी से पूछें, आप इनको इनके तो बड़ों को पैसे मिले थे इसलिए कि कालाबाग डैम की मुखालफत करनी थी, अब मैं उसे ना खिलवाते तो प्लीज, ये पैसे मिले थे, लैंग्वेज ये कल पैसे भी, मिले कल भी आबद शेर अली साहब ने कहा पैसे मिले थे और और ऐवानों को भी आप एक्सपर्ट करना चाहते हैं, या बैठकर जो है मीडिया पर ये आप गलत किस्म की इंटेलेक्चुअल करप्शन करके आप जो फैक्ट्स को मरोड़ तरोड़ के पेश करेंगे, तीन असेंबली यानी भारत नवाज है और एक ही सूबा जो है उनके भी दो चार पार्टियां जिनकी जीटी रोड जो है वो महदूद है उनकी वही पाकिस्तान नवाज है। देखिए इनको अपना नुक्ता तो बयान कर लेने दें, लैंग्वेज आई कंडेम योर वर्ड्स, जी जी इनको अपना नुक्ता तो बयान कर लेने दें, आप तो उनको इनको इनका नो नॉट एट ऑल, ये भारत के एजेंट है तो किसको कह रहे हैं, कालाबाग डैम की मुखालफत करने की तो रिकॉर्ड पे चीजें हैं, आपके बड़ों ने हमें दूसरी बात मैं दूसरी मैडम अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं बैठना चाह रही काशिफ,
जहाँ इस किस्म की लैंग्वेज कि 30 रुपए जो है समझाए बीबी को समझाए उन्होंने रेजोल्यूशन और ना मेरे आपको बीबी को समझाए आप चाह रहे हैं कि वो भारत नवाज है उनको भारत चाह रहा है भारत नवाज की बात है आप समझ रहे वो पाकिस्तान तारीख लिखी हमने रेजोल्यूशन पाकिस्तान के लिए पेश की थी संसद से पंजाब भी हमारा है बुलान भी हमारा है खैबर भी हमारा है और ये सारे हमारे भाई हैं भाइयों की बात तो सुन ले बात तो सुन ले भाइयों की बात हां हमारे लीडर्स से कुर्बानियां दी हैं इनके नहीं एक उंगली भी किसी ने नहीं कटवाई है हाउ कुड दे से ऑल दिस यू नो लेकिन आप भाइयों की बात तो सुन ले देखेंगे आप उनको माफी मांगना चाहिए अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं इस प्रोग्राम में नहीं खत्म हो जाते हैं जब दलाइल खत्म हो जाती हैं ये कल आबद शेर अली साहब और दूसरे अहमद साहब वो कहती हैं कि ये भारत नवाज है आप इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे छोटे सूबे के लिए दैट मींस यू डोंट बिलीव इन फंडामेंटल राइट्स एट ऑल हमने इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल किए इंडिविजुअल के लिए हाउ कुड यू टॉक अबाउट आप इनकी जात की बात कर रहे हैं मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं कोई सिंधियों की बात नहीं कर रहा इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं और दूसरी बात यह है मैडम बिल्कुल जरा बोल लेने देना देखिए आप जैसे लोगों को बात करनी यानी आपका एक माइंडसेट है जो लेकर आते हैं आप मैडम अगर अगर आप बात कर लेने दें तो हम प्रोग्राम सारा खराब हो जाएगा काशिफ साहब अपनी हम तीन आज से बिल्कुल बरक्स बर्दाश्त कर रहा हूं पाकिस्तान और सिंध जो है भारत नवाज इसलिए देखिए आप जरा इनको बात कर लेने दें इनका नुक्ता नजर सुन लें क्या चाहते हैं जनाब मैं समझी नहीं आप प्लीज ये दोहराएंगे अपने अल्फाज फिर से मैं ये कहना चाहता हूं काशिफ देखिए डेड लेवल से जो तरबेला का पानी जो है पाकिस्तान की पार्टी की कोई पॉलिसी आती और 23% आप लेकर ले मैडम अगर आप इनकी बात सुन ले प्लीज देखिए वो आप अपने फिगर देंगे कहां का था बेनजीर भुट्टो साहब का किसने एटॉमिक एनर्जी किसने प्रोग्राम दिया किसने जो कातल तो ढूंढ ले बीबी के कातल तो ढूंढ ले कातल ढूंढ ले काला बाग गैस डिबेट को कहां लेकर जा रहे बीबी के कातल ढूंढ ले नहीं 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 आई कांट लेट देम टेक अस फॉर ग्रांटेड दैट्स नॉट द वे और बीबी के कातल ढूंढ ले नहीं यहां बैठ सकती इस प्रोग्राम में नो आई कांट कंटिन्यू यस ओके थैंक यू वेरी मच चल जा बड़ा शुक्रिया उनके पास दलाइल नहीं थे अब इसमें देख अब इस डिबेट को हम कहां लेकर जा सकते हैं ये एक सीधी सीधी काला बात है कोई बात नहीं की स्टोरेज की बात कर रहा हूं सुनाएं उनकी सुनिए लोगों को समझने दे के लोग क्या चाहते हैं क्या कह रहे हैं वो प्रोग्राम छोड़ के आप इस बात पर चले गए तो इसमें ये तो क्या ये मुमकिन होगा कि दो नॉमिनीज आपके दो नॉमिनीज हुकूमत के दो नॉमिनीज पंजाब के दो नॉमिनीज सिंध के आप एक बड़ी कमेटी बना लें जो कि सारे के सारे बैठ के फैसला कर लेंगे क्या करना है टेक्निकल कमेटी बना लें आपने इस मसले को आज ये फैसले हो चुके हैं कारा साहब मैं तो एक सेकंड में आपके पास आता हूँ यास्मीन रहमान साहब ब्रीफली अगर आप बात करें कारा साहब मुश्ताक रहमान साहब सॉरी मैं माफी चाहता हूँ अच्छा जी वो मैं ये कहना चाहती हूँ के पख्तूनख्वा के ऊपर भी कंसेंसस नहीं था लोग कहते थे खत्म हो चुका मुर्दा घोड़ा है अभी भी जाके देख ले हजारा का क्या हाल है हजारा इनसे अलहदा हो गया हजारा काला बाग के हक में दे रहा है वोट वो कह रहा है कि काला बाग बनाए आपकी पार्टी ने मेरे खिलाफ वोट दिया देखे ये मुझे नहीं बात करने देंगे उन्होंने हनीफ को नहीं बात करने दी तो क्या इस तरह बात हो सकती है ये कोई तरीका है अगर आप हमें अपना भाई बहन समझते हैं तो क्या हमारे मैं कह रही हूँ की पख्तूनख्वा के ऊपर कंसेंसस नहीं था मगर इन्होंने एक सौदाबाजी के जरिए एक पार्टी ने फकत एक पार्टी ने आके अपना फैसला इनके ऊपर सादर कर दिया तो उन्होंने बना दिया 64 वोट लेके हम निकले हैं अच्छा हमारे अच्छा दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं होती होती ही नहीं है चलिए नहीं हुआ सब झगड़े वगड़े अब ऐसा आप कश्मीर लेके बता दें 65 साल से लड़ रहे हैं आप कहां पहुंच गए छोड़ दे ऐसी बहस हो तो एक टेक्निकल आदमी भी इधर बिठाया करो जो इन सारे टेक्निकल मसला ये कि अगर मैं शमसुल मुल्क साहब को बुलाऊंगा तो ये नहीं मानेंगे उनको अगर किसी और को बुलाएंगे खत्म हो चुकी है ये गुंडा घोड़ा है इसको मस्जिद इसको छोड़े काला बन सकेगा माइक था ना बनना है ना बन सके कभी नहीं बन सकता लेकिन एक पख्तून की जिंदा और एक सिंध हेलो काला गार्डन नहीं बनेगा मैं पंजाब वालों को बता दूं नहीं लेकिन हेलो जी काला साहब एक अब आप बलोर साहब भी प्रोग्राम छोड़ के चले गए ये भी कहते हैं कि काला बार्डन मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ